हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं रोमे प्रजापति अयोध्या से हूँ। तो मैं बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार ऐसी हालत पे आ गई है कि बच्चे तैयारी करते करते थक जा रहे हैं और बाद में कुछ नहीं मिल रहा है। माँ बाप का विश्वास सब कुछ टूटा चला जा रहा है, क्योंकि हर माँ बाप का यही होता है कि मेरा बच्चा पढ़ के ये बनेगा वो बनेगा। घर से इतना दूर बच्चा रह रहा है, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो माँ बाप का पैसा अलग से जा रहा है और सरकार ऐसी है कि बच्चे को कुछ दे भी नहीं रही है। तो देखिए, मैं बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आएगा ज़रूर कमेंट और लाइक। तो देखिए, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेरोजगारी पे। अगर आपको पसंद आएगा ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी पढ़ाई करती हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ आज 5 साल से, बट कुछ नहीं। 2018 के बाद कोई टीचर की वैकेंसी नहीं है। मैं टीचर की तैयारी करूँ। तो देखिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। झरती जातिया है खोपड़ी के बार धीरे धीरे, झरती जातिया है खोपड़ी के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जातिया है खोपड़ी के बार धीरे धीरे, ने भी के उम्र बीती आर्मी के बीती, ने भी के उम्र बीती आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा बिसे वास धीरे धीरे, झरत जातिया है खोपड़ी के बार धीरे धीरे। तो देखिएगा, जब कोई नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाता है तो उसे क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ता है। ढेर दिन इलाहाबाद माँ लिट्टी चोखा खाए, ढेर दिन इलाहाबाद माँ लिट्टी चोखा खावा, खत्म भावा घर के दाल भात धीरे धीरे, खत्म भावा घर का दाल भात धीरे धीरे, झरत जातिया है खोपड़ी के बार धीरे धीरे। घर वालों का सपना क्या होता है आप देखिए। बाबूजी के सपना रहा है बिटिया बने डीएम, बाबूजी का सपना रहा है बिटिया बने डीएम, खत्म भाव दिल के जज बात धीरे धीरे, खत्म भाव दिल के जज बात धीरे धीरे, झरत जातिया है खोपड़ी के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे। तो जैसा भी आपको लगेगा, प्लीज़ कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप इस स्टूडेंट का सपोर्ट कीजिए, ताकि ये बात मेरी सरकार तक पहुँचे। क्योंकि आपके घर में भी कोई ना कोई होगा ज़रूर तैयारी कर रहा होगा किसी भी चीज़ का, नौकरी के आस में बैठा होगा। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये ज़रूर ज़रूर इतना सपोर्ट कीजिए, ये चीज़ इतना आगे जाए। और हाँ, मैं इस मुद्दे पे बात उठाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ और टाइम थोड़ा सा मिल जाता है। मैंने सोचा चलो ठीक है, सरकार नौकरी नहीं दे रही, थोड़ा सा यूट्यूब से ही मैं माँ बाप के लिए कुछ कर पाऊँ, इसलिए मैं वीडियो बनाना शुरू कर दी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, मतलब अपने यूपी में क्या, और हर एक जगह यही हो रहा है कि मतलब पेपर कराने के बाद पेपर लीक कर देते हैं। इतना दूर जाओ, फिर किराया लगता है, सब कुछ लगता है, फॉर्म भरो, किराया लगता है, आने जाने का सब कुछ। तो कोई मतलब नहीं सरकार से, बस आओ पेपर लीक, फिर से फॉर्म भरा जाता है। तो देखिए, मैं इसी बात पे सुनाने जा रही हूँ, कुछ जागरूक करना चाहती हूँ लोग को और सरकार को भी, के साथ खिलवाड़ कर रही है, टाइम बच्चों का बीत रहा है, घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और ओवर एज होते चले जा रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है। और जो भी वैकेंसी आती है उस पर पहले तो पेपर कराती है, उसके बाद फिर लीक हो जाता है पेपर। आने जाने का किराया वो क्या जाने, उनको तो केवल
आजकल तो 1200-1300 रुपये फॉर्म भरे जाते हैं ये, और इतना दूर दूर सेंटर फेंक देते हैं कि जैसा लगता है कि फ्री में सुविधाएं उपलब्ध की हो, बट ऐसा नहीं है। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो देखिए जो पेपर लीक हो जाते हैं, मैं उसके बारे में कुछ लिखी हूँ, तो आप सपोर्ट कीजिएगा, सरकार तक मेरी बातें पहुँचाइएगा, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी करब करारा हो ना। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी करब करारा हो ना। कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी। कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी। दिमकवा चौचक राखब, दिमकवा चौचक राखब, खाए के पिस्ता छुहारा हो, नौकरी करब करारा हो। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी करब करारा हो ना। तो देखिए दोस्त, मेरी बातें आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी पूरा देखिएगा मेरी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर कुछ छावाइए, क्योंकि हम भी बेरोजगार हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। माँ बाप थक जा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते, और फॉर्म इतना ज़्यादा महंगा है कि एक बार दो बार भर दो तो हिम्मत नहीं लेती। कट ऑफ इतना हाई फाई जाएगा कि सिलेक्शन ही नहीं होते। तो प्लीज़ आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे को। मैं बाय बाय।